नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। देश भर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। हीट वेव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली, उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी, तो वहीं यूपी में भी गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। फतेहपुर में जो पारा है वो 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झांसी और कानपुर में ये बढ़कर 45.2 डिग्री तक पहुंच गया है। और वहीं बात कर ले औराई में, तो वहां पर 44.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। हमीरपुर में 43.2% जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। आगरा में 43.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में 42.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में 42 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। इटावा में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये हमने आपको यूपी के अलग अलग राज्यों में तापमान किस तरह से चढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गर्मी का क्या हाल है, किस तरह से लू चल रहा है जिसकी वजह से कई लोग इस लू की चपेट में आने से मौत का शिकार भी हो रहे हैं। कई लोगों को गंभीर बीमारी भी हो जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 12 बजे के बाद जब तापमान चढ़ता है, उस 12 बजे के बाद तापमान चढ़ने के बाद लोगों का जीना और भी ज्यादा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो प्रचंड रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। और आपके टीवी स्क्रीन पर ये हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए इस 5 तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से गर्मी से लगातार जो लोग हैं वो परेशान है। पहली तस्वीर आपको गोंडा की दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और वहीं आप लखनऊ की तस्वीर देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरह से गर्मी की वजह से कई जगहों पर आग लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये लखनऊ की आप तस्वीर देख सकते हैं। और नीचे हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीर कि गाजियाबाद में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण गर्मी होने के कारण आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। कहीं पर आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में आग लग जा रहा है, कहीं पर किसी कंपनी में आग लग जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से लोड भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग एसी और कूलर तमाम जो बिजली संयंत्र है उसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि लगातार आग लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो अब इस वक्त देश में भीषण गर्मी चल रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। आप दोपहर में देखते होंगे कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, दूर दूर तक आपको लोग नजर नहीं आएंगे, हाईवे पर सन्नाटा पसरा रहता है। और इस बीच कई सारी ऐसी सरकार जो है, प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट है और लोगों को चेता भी रहे हैं कि भीषण गर्मी चल रही है, लू चल रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, घरों में ही रहे। लेकिन जो रोजमर्रा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिनकी दिनचर्या ही बाहर जाकर कह लीजिए कि शुरू होती है, मजदूरों के लिए भी कहीं ना कहीं ये भीषण गर्मी जो है वो सितम ढा रहा है। दिल्ली, उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी है और कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर पारा जो है वो बीते कई सालों का जो कैलोरी रिकॉर्ड वो तोड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूपी के कई जिलों में इस वक्त तापमान जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे कि कहीं पर जल का संकट है, कहीं पर बिजली का संकट है, लगातार पावर कट हो रहा है। और आपको ग्राउंड जीरो की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। फहीम खान रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल निषाद अयोध्या से, सूरज पांडे कानपुर से, और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात हैं। फहीम, आपके पास आऊंगी। कानपुर में गर्मी का क्या सितम है, किस तरह से यहां पर लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि आम आदमी घरों से निकलने में अपने आप को परेशानी महसूस कर रहा है। जो आम जनजीवन है वो इस तरह से ठहर गया है, जो सड़कें हैं वो इतना तप रही हैं कि वो खुद फट जा रही हैं, जो कारें हैं उनमें आग लग जा रही हैं, जो घर के अंदर सामान है वो फूंक जा रहे हैं, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक आम सी हो गई है। कभी हमने सोचा नहीं था कि पारा 48 को छुएगा, लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि पारा जो है वो 48 को छू रहा है। गर्मी का सितम इतना है कि लोग सड़कों पर सवील लगा रहे हैं, सवील लगाने के बाद लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठने के बाद इस गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं।
पानी में भीगने के बाद अपने आप को इस हीट स्ट्रोक से बचा रहे हैं और इस स्ट्रोक से बचने के लिए डॉक्टर भी तमाम कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो झोला साहब डॉक्टर है उनकी चांदी हो चली है। मरीज बेतहाशा डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल पूरे भरे पड़े हैं, ऐसे में इसका फायदा और बल्कि नजायज फायदा उठा रहे हैं झोला साहब डॉक्टर, जिनके यहाँ दवाई लेने के लिए मरीज जा रहे हैं और अपने आप को बेचारे ठगा का महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकारी इंतजाम जो है वो काफी साबित नहीं हो रहे हैं। और रामपुर की मैं स्थिति की बात करूं तो रामपुर के अंदर जो वनों के कटान है वो इतनी तेजी से हुए जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और ये जो संतुलन बिगड़ा है इसका खामियाजा आज पूरे जिले को, पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को भुगतना पड़ रहा है और लोग फिर से विचार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेड़ों को लगाकर इससे राहत पाई जाए क्योंकि ये जो गर्मी है, ये जो सितम है, ये सितम यहीं नहीं रुकेगा बल्कि ये बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है और आने वाले सालों में अगर पर्यावरण का संतुलन नहीं बना, जो कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, अगर पर्यावरण का संतुलन नहीं बना, पेड़ों को नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फरीद, ये बहुत जरूरी भी है कि पर्यावरण का संतुलन जो है वो बनाए रखना। लगातार पेड़ों की अंधाधुन कटाई हो रही है जिसकी वजह से भी तापमान अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल निषाद अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अयोध्या की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर टेम्परेचर कितना है और गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह के एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए आपको बता दें कि अयोध्या की बात करें तो लगातार दो तीन दिन से यहाँ का टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड आंका जा रहा है जो सबसे गर्म माना जा रहा है। जो है बचाव के लिए लोग छाते का प्रयोग कर रहे हैं, खुद मफलर या वो गमछा बांध के निकल रहे हैं। अगर अयोध्या में रामलला के दर्शन में श्रद्धालुओं की बात करें तो उसको भी लगातार राम जन्मभूमि पुलिस जो है वो ORS का घोल पिला रही है, कहीं भी कोई भी श्रद्धालु गस खाकर न गिरे इसकी पूरी व्यवस्था की गई। तो लगातार जो है टेम्परेचर यहाँ का 46 डिग्री है और यदि हीट वेव की बात करें तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड जिला अस्पताल में हीट वेव का जो है काउंटर बनाया गया जहाँ पे जो हीट वेव की शिकायत आ रही है वहाँ पे भर्ती किया गया। अस्पतालों की बात करें तो एक एक बेड पर दोनों बच्चे उल्टी और सर दर्द के ज्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हीट वेव का सिस्टम जो है अयोध्या में जारी है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि 11 बजे से 3 बजे तक अपने घर से बिल्कुल ना निकले। अगर निकले तो कुछ सर्त या तो सर गीला करके निकले, रुमाल गीला करके निकले या सब सर्त कुछ ना कुछ बांध के निकले और तरल पदार्थों का लगातार सेवन करके निकले तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जीत लोग का जो है अब प्रकोप जारी है। जी सूरज पांडे हैं कानपुर से। सूरज, बात कर ले कानपुर की तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है गर्मी से भी निपटने के लिए, क्योंकि लगातार देख रहे थे जो लोग दिनचर्या, जिनकी दिनचर्या की शुरुआत ही बाहर निकल कर होती है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रेहड़ी पटरी पर लगाते हैं, क्या कुछ तैयारी प्रशासन ने उनके लिए की गई है की है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कानपुर में जो गर्मी का सितम है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर के टेम्परेचर की बात करें तो कानपुर का जो टेम्परेचर है वो 46 से 47 डिग्री को भी पार कर चुका है। ऐसे में लगातार गर्मी बढ़ रही है कानपुर शहर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, ऐसे में गर्मी का प्रकोप जो है वो साफ तौर पर रोडों पर भी देखा जा सकता है। इन रोडों पर अमूमन बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, उन पर सन्नाटा पकड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग जो है वो मौजूद आए हैं, सीधे इनसे ही बात करते हैं। कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे की पशु पक्षी और सभी लोग व्याकुल है और अत्यधिक परेशान है। पानी की भी काफी सारी किल्लत है, हमारे देश की भी जनता और अत्यधिक परेशान। अच्छा ये बताइए, क्या नगर निगम की तरफ से या कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से कहीं पर पेयजल की व्यवस्थाएं की गई? अभी तो हमारे इधर कोई नहीं की गई है पेयजल की व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको भी मरम्मत नहीं किया जा रहा है। क्या आपका क्या कहना है, गमछा लेकर चल रहा है? हमारा कहना तो बस इतना ही है कि गर्मी में जो हमारे यहाँ की जो है सारी व्यवस्थाएं, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि बिजली बिल्कुल नहीं, बिजली विभाग भी बिजली देना नहीं चाहता है क्योंकि उनके आगे भी परेशानी है और पेयजल की तो व्यवस्था कहीं है ही नहीं। जैसा कि हमारे सहयोगी भाई ने कहा भी कि पेयजल की ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है और पुरानी चीजों को भी उन्होंने अवेलेबल नहीं कराया। देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ना ही कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से कहीं पर पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, ना ही कहीं पर
पौशालाएं बनाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जानवरों को भी सबसे ज्यादा पानी की समस्या हो रही है। जगह जगह पर पहले की बात करें तो पेयजल की व्यवस्थाएं कराई जाती थी जिससे कि जीव जंतु भी पानी पी सके और इंसानों को भी पानी मुहैया हो सके, मगर इस बार का जो गर्मी का जिस तरीके से प्रकोप है ऐसे में कहीं ना कहीं से कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। अस्पतालों में लोगों की लगातार जो बीमार लोगों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। हीट स्ट्रोक से भी मौतों की खबरें सामने आ रही है, मगर कानपुर जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से आग बंद कर मौन बैठा हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सूरज यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही आ रही है, जैसा कि जनता भी कह रही है कि वहाँ पर तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस कंदिता बात अगर राजधानी लखनऊ की कर ले तो राजधानी लखनऊ में किस तरह से गर्मी का सितम लगातार जारी है, क्या टेम्परेचर है, किस तरह से प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें गर्मी का सितम लगातार जारी है। देश भर में लोग जो है वो गर्मी से कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है गर्मी की वजह से, और उमस भरा माहौल जो है वो लगभग उत्तर प्रदेश के राजधानी समेत आसपास के कई जिलों में इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर आज के टेम्परेचर की बात की जाए, अगर इस वक्त 11 बजे तक की टेम्परेचर की बात की जाए तो राजधानी में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो नोट किया गया है, और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों की बात की जाए तो उससे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो टेम्परेचर था वो कुछ कम हुआ, क्योंकि लखनऊ के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो बीते दिन जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री से 47 डिग्री तक गया है, यानी कि 50 डिग्री तक का टेम्परेचर गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है गर्मी से परेशान थे और लू के चलते कई लोगों की मौत भी हुई थी, क्योंकि लोग जो है गर्मी में जो बाहर निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं लू का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी की चपेट में आने से कई लोगों को ही मौत भी हुई थी। कई लोग जो है कई लोग बीमार भी पड़े थे। अगर राजधानी लखनऊ में तमाम इंतजामों की बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से प्याऊ लगवाने की व्यवस्था की गई है और खास करके रैन बसेरों में कूलर की व्यवस्था की गई है कि जो गरीब लोग वहां पर आके रहते हैं उनको गर्मी ना लगे, उसको लेकर वहां पर कूलर लगवाए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर जो है वो प्याऊ लगाए गए हैं, प्याऊ जिससे लोगों को जो है वो पानी के लिए उनको परेशान ना होना पड़े, कम से कम उनको पानी की सुविधा मिल सके, रास्ते चलते जो भी लोग है उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी प्यास बुझाई जा सके, उसको लेकर तमाम जगह प्याऊ लगवाए गए हैं, रैन बसेरों में कूलर के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो भी अगर उन इलाकों की बात की जाए जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, अगर राजधानी लखनऊ में चारबाग स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, एसी कूलर की व्यवस्थाएं की गई है प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के बाहर आसपास के इलाकों में वेटिंग एरियाज में जहां पर लोग खड़े रहते हैं। इसके अलावा अमीनाबाद जैसे इलाकों में लोगों को साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि दिन में यानी कि दोपहर में जब गर्मी का तापमान जो है सूरज सीधा सिर पे होता है तो ऐसे में घरों से बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। बच्चों की कहीं ना कहीं स्कूलों की तरफ से छुट्टियां की गई हैं कि वो अपने घर में रहें, जिस तरीके से लगातार गर्मी का सितम सता रहा है तो ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, खास करके दिन में जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले, और दिन में जो लोग अधिकतर शॉपिंग के लिए निकलते हैं वो भी अब दोपहर में देखने को नहीं मिलते हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं, शाम के समय लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले अब कुछ राहत मिली है बीते 2 दिनों से, जहां पर बिल्कुल यानी इसका नेता बात कर ले राजधानी लखनऊ की तो यहां पर राहत मिली है लोगों को सितम कह लीजिए कि गर्मी की सितम से। फहीम बात रामपुर की कर ले तो अन्य जिलों का हाल हम देख रहे हैं, कहीं पर पानी की किल्लत हो रही है, कहीं पर लगातार पावर कट हो रहा है, रामपुर का भी क्या यही हाल है? बता दूं कि रामपुर जो है वो उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है और यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई किल्लत नहीं है, यहाँ कभी पानी की किल्लत रही भी नहीं, कभी भी यहाँ लोगों ने लाइन में लगने के बाद पानी नहीं लिया, यहाँ पानी की उपलब्धता हमेशा से बनी रही है। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि ये रेड जोन में चला गया था, लेकिन बीते जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदल ने उस पानी के दोहन को रोकने के बाद इसको ग्रीन जोन में लाकर एक बहुत बड़ा काम किया, जिसमें उनको बहुत बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिला था। तो इस तरह से रामपुर के अंदर गर्मी का सितम बढ़ रहा है, ऐसे में जिलाधिकारी ने भी निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने सलाह भी दी है, डॉक्टरों ने भी कहा है कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, ऐसे में बाहर ना निकले क्योंकि ये हीट स्ट्रोक जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी करता है और इससे आदमी छटपटाने लगता है, उसको बेचैनी बढ़ जाती है और अटैक भी हो सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए लोग बाहर ना निकले। न्यूज़ ऑन इंडिया की भी यही अपील है लोगों से,
के जरूरी हो तो ही बाहर जाएं, अलबत्ता इस तरह की गर्मी में बाहर ना निकले। जी जी, और रामपुर की बात कर ली फहीम, तो यहाँ पर स्कूल वगैरह को बंद कर दिया गया है, क्योंकि देखिए बिहार में बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से स्कूल में बच्चे काफी ज्यादा बीमार हो रहे थे, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद किया गया। रामपुर में क्या स्कूलों का हाल है, क्या स्कूलों को बंद कर दिया गया या फिर अभी भी चालू? बता देता हूँ कि जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने जैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा हुई और लोगों ने ये मांग की कि जो मासूम बच्चे नौनिहाल हैं उनकी छुट्टी की जाए, तो जिलाधिकारी ने आदेश जारी करने के बाद बच्चों की छुट्टी कराई थी, जिससे बच्चों को बड़ी राहत मिली। बच्चे इस वक्त घरों में पैक हैं, कैद हैं, और एक तरह से जो है वो राहत पा चुके हैं। तो जिस तरह से छुट्टियां हुई हैं उससे बच्चे बड़े सुकून से हैं, और इससे कम से कम अभिभावकों भी ये राहत मिली है कि उनके बच्चे को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में जिस तरह से बच्चों की गिनती होती है और उसमें उमस बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल फहीम, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये लू, और ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है और स्कूल को इस वक्त बंद किया जाए। अनिल निषाद के पास चलते हैं अयोध्या में। अनिल, बात कर ले अयोध्या की, क्योंकि राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हमने देखा कि जो मजदूर हैं उनके लिए एक प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि वो 1 बजे से 3 बजे के बीच में काम नहीं करेंगे और उनका पैसा नहीं कटेगा। अयोध्या में भी क्या इस तरह की चीजें लागू हुई हैं जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी पर काम कर रहे हैं उनके लिए? मजदूर काम करने वाले हैं उनको धूप में बिल्कुल न किया जाए, और उनकी काम को जो भी दिहाड़ी होती है वो पूरी दी जाए, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले जो अपना जीवन यापन पर डे काम करने के बाद करते हैं, तो उनको उनको लू और गर्मी से ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके जिलाधिकारी ने बकायदा एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये बताया है कि भाई लू से बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि वो काम पर न जाए, और यदि काम पर जाए तो शाम और सुबह के तरह काम करें और उनको जो दिहाड़ी है वो पूरा किया जो है वो मिले। जी, और अयोध्या की बात कर ले अनिल, तो क्या यहाँ पर भी पानी की किल्लत, बिजली की कटौती से लोग जूझ रहे हैं? बिल्कुल, पानी तो यहाँ पे सुलभ रूप से मिल रहा है, लगातार नगर आयुक्त जो है वो कुंभ करके वाटर कूलर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को लगातार आना जारी रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए, इसके साथ साथ आम जनता को भी व्यवस्थाएं दी जाए। अगर बिजली की बात करें तो यहाँ भी कटौती काफी हो रही है, जगह जगह पे लाइटें काटी जा रही है। अभी कुछ ही दिन की बात है कि एक बिजली घर पे लोगों का आक्रोश टूटा था, वो बिजली घर का भी घेराव किया था, वहाँ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया था, कहीं ना कहीं बिजली की कटौती तो यहाँ हुई रही है, लेकिन पानी की व्यवस्था है वो नगर आयुक्त के माध्यम से एकदम सुलभ चल रही है, पानी की व्यवस्था किसी तरह से भी कहीं भी कमी नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ अगर पुलिस की बात करें तो जगह जगह वो भी कैंप लगा करके ठंडा पानी और ORS का घोल जो है लोगों में और श्रद्धालुओं में विसर्जित करने का काम कर रहे हैं। जी जी, सूरज, अगर बात कर ले कानपुर की, तो अभी तक हमने देखा कि यूपी की कई जिलों से लू लगने से लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। कानपुर में अब तक लू लगने से कितने लोगों की मौत हुई है? हैं वो सड़कों पर पड़े मिले, गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन कानपुर शहर में बढ़ रहा है, वही बिजली कटौती से भी लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये इनसे ही बात करते हैं। हाँ, ये बताइए बिजली किस तरीके से आ रही है? कितने घंटे बिजली आ रही है, कितने घंटे जा रही है? 7 घंटे आती है, बाकी कभी आना कभी जाना लगा रहता है। कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें कारोबार वाले कारोबार से परेशान है, इन्वर्टर जब सब हो जाए बैठने घिमर में बाहर आ रही, बाहर इतनी गर्मी है। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली कटौती से लोग जो है वो परेशान है। कानपुर शहर में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक, स्कंदिता, लखनऊ की बात कर ले, तो फिलहाल लखनऊ किस जोन में है हीट वेव की बात कर ले, रेड जोन में, येलो जोन में, किस जोन में अभी लखनऊ को रखा गया राजधानी को? अगर लखनऊ की बात की जाए तो अभी लखनऊ को येलो जोन में रखा गया है, क्योंकि अभी जो 2 दिन से टेम्परेचर है वो 35 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री से काफी कम हुआ है, 34 डिग्री, 35 डिग्री तापमान नोट किया गया है, दोपहर का तापमान मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन पिछले दिनों जो है वो काफी ज्यादा, जब नौतपा की बात की जाए तो जब लगातार नौतपा जारी था तो उस वक्त 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री तक तापमान गया था, तो ऐसे में लखनऊ को रेड जोन में रखा गया था। लेकिन अब क्योंकि 2 दिन से जो है
मौसम थोड़ा सुधरा है और हालांकि बारिश जो है वो अभी तक राजधानी में एक बार भी नहीं हुई है, तो ऐसे में अब लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं अगर बारिश होगी तो उमस भी हो सकती है, उसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले उसको लेकर भी उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि जरूरत पड़ने में, खास करके जो मजदूर तबके के लोग हैं जो अपने घर से दिहाड़ी के लिए निकलते हैं, जो डेली का उनका कमाना खाना है, उनको लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ा घरों में रहे, घरों से बाहर कम निकले, और उनके लिए तमाम अलग अलग जगहों पर नगर निगम की तरफ से प्याऊ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं कि जिससे उनको पेयजल की सुविधा जो है वो मिल सके, कहीं उनको पानी के लिए दुखी ना रहना पड़े। नगर निगम की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी तमाम जगह जो है ग्रैंड बसोरों में कूलर के इंतजाम किए गए हैं, टेंट वेंट लगवाए गए हैं जिससे लोगों को थोड़ा गर्मी से राहत मिले, थोड़ा आराम मिले, और इसी को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्याऊ के अलावा अगर बात की जाए तो खाने पीने को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, लोगों को जो कहीं ना कहीं इंसानियत देखने को मिल रही है कि प्राइवेट स्तर पे भी जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर या अपने दुकानों के बाहर जो है पानी की व्यवस्था करवाई गई है जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने जिस तरीके से अपने ऑफिस के बाहर पर या घरों के बाहर कूलर लगवाया हुआ है, खाने की व्यवस्था करवाई गई है, जो गरीब लोग हैं जो रोज कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट भी जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्या वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं की गई है कि लोगों को घरों से ना निकलना पड़े और जरूरत ना हो तो घर से ना निकले, घर पर ही काम कर सकते हैं, तो क्या ये वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज भी अभी लागू की गई है लू को देखते हुए, बढ़ती गर्मी को देखते हुए? देखिए अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए, जो लोग प्राइवेट स्तर पर जॉब करते हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधा पर वो काम कर सकते हैं, तो ऐसे में कई ऑफिस की तरफ से ये इंतजाम दिया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर बात की जाए तो सेल्स के कई ऐसे लोग कई ऐसे ऑफिस हैं जहां पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, जिसमें से बायजूस है, खास करके एकेडमिक्स क्षेत्र के जो व्यवसाय चल रहे हैं, चाहे बात की जाए कोचिंग क्लासेस की या फिजिक्स वाला जैसे तमाम चीजें हैं जो इस तरीके की चीजें चलाते हैं, उनमें उन्होंने स्टाफ को ये बोला हुआ है, साथ ही अपने बच्चों को भी बोला हुआ है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके और स्टाफ जो है वो भी अपने घर से ज्वाइन कर सके, तो खास करके शिक्षा को पहले प्राथमिकता पे रखते हुए क्योंकि वो आसानी से वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, तो ऐसे में बायजू समेत फिजिक्स वाला समेत तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने स्टाफ को और अपने बच्चों को वर्क फ्रॉम होम में स्टाफ को और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए बाहर आते हैं लेकिन इस वक्त इतनी गर्मी है, इतना लू चल रहा है कि बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, हालांकि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। फहीम बात कर ले रामपुर की, तो फिलहाल रामपुर इस वक्त किस जोन में है? बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर जो है वो येलो जोन में है और रामपुर के अंदर गर्मी का जो आलम है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इस गर्मी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, उनकी हालत बिगड़ रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, लू लग रही है, डायरिया हो रहा है, उससे अस्पताल भरे पड़े हैं, आम आदमी की जेब इससे भी कट रही है। और दूसरी यह कि जिस तरह की ये गर्मी है, इस गर्मी का सितम लगातार जारी है और अगर इसको यही नहीं रोका गया, इसके इंतजाम नहीं किए गए सरकारी स्तर पर, सरकारी तौर पर, तो ये और ज्यादा आगे बढ़ेगा और इस तरह की चीज है आम आदमी को सताएगी और इससे खाली इसकी गर्मी से मुसीबत नहीं है आम आदमी की। अर्चना में ये भी समझा दूं आपको कि जो बिजली है, जो विद्युत विभाग है, वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, दो दो मिनट के लिए लाइट आ रही है और ओवरलोडिंग का नाम लेकर लाइट को काट दिया जा रहा है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती। जिस तरह का दावा है सरकार का कि शहरी क्षेत्र को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे लाइट दी जा रही है, ये बिल्कुल फर्जी और झूठा दावा है। ग्रामीण क्षेत्र को 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है और जो शहरी क्षेत्र है उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर कह सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण है वो आज भी वैसे मर रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करता था। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के टाइम से पहले की स्थिति में आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जी रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल फहीम, ये बहुत जरूरी भी है कि भीषण गर्मी में अगर लाइट इतनी कट रही है तो लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। फहीम आपका, अनिल आपका और स्कंदिता आपका, तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल की गर्मी से लोग किस तरह से बेहाल हैं और प्रशासन कहीं पर सफल भी है, कहीं पर नाकाम भी साबित होता हुआ नजर आ